बात यूएस की करने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका यूएस स्टडी वीज़ा को लेकर हमारे पास सवाल हैं, आज की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। क्या I-20 को लेकर सवाल थे, जो भी सवाल थे आपके उनके सवाल, और सबसे ज़रूरी अपॉइंटमेंट को लेकर तो आपके हमेशा ही सवाल बने ही रहते हैं, उसके ऊपर भी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। इंटरव्यू सब जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें, किन किन बातों का ख्याल रखें। वैसे तो हम अक्सर ही इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज बहुत ही खास आपको गाइडेंस मिलने जा रही है। नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसेज वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। डिटेल में हर बात आपको समझाएंगे कि अगर आपने यूएसए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, किन बातों का ध्यान आज के टाइम में आपको ज़रूर रखना चाहिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ हरजोत कौर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैम आपका स्वागत है, और ज़रूर चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को हमेशा की तरह गाइड कीजिए कि अगर यूएसए स्टडी वीज़ा के बारे में कोई सोच रहा है तो किन बातों को ध्यान भी ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रोसेस की भी बात करें, डिले कई तरह के, जैसे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं स्टूडेंट्स के, तो कई तरह के सवाल आ ही रहे हैं हमारे पास, लेकिन आपसे हम पूरी अच्छी गाइडेंस चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रोसेस को देखते हुए, स्टूडेंट को कितना टाइम पहले कब अपना पूरा प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए? हरजोत जी, देखिए जो स्टूडेंट्स हैं यूएस के, जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री है, और स्पेशली आईटी के लिए 78% स्टूडेंट आईटी का जो है यूएस के प्रोग्राम्स लेता है। क्योंकि स्टेम प्रोग्राम्स हैं, स्टेम, मैं फिर से बच्चों को बताती हूँ, हर बार बताती हूँ, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स जो है वो स्टेम प्रोग्राम में आते हैं, जिसमें कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 36 मंथ यानी कि 3 ईयर्स का मिलता है। और आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि स्टेम प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादातर बच्चे जो है JRE करते हैं, क्योंकि उस बेस पे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिल जाती है बच्चों को। IELTS या TOEFL के साथ JRE भी करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो पहले ही अपना प्लान करते हैं, कैरियर एक प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल एक अच्छी यूनिवर्सिटी को जो है प्रोफाइल चाहिए, तो उसके लिए आप देखिए इंडिया ने इस बार वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स ने JRE किया 1,11,000, और जो अमेरिका के अपने स्टूडेंट्स हैं वो 98,000 स्टूडेंट्स ने JRE किया, जबकि इंडियंस ने 1,11,000, और चाइना ने जो है कोई 57,000 स्टूडेंट्स ने JRE किया। तो मीन्स इंडियंस इतना बाहर जाने के एक ख्वाहिश रखते हैं, अच्छा कोर्स करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी US जैसी कंट्री से, क्योंकि JRE इज़ नॉट सो ईजी एग्ज़ाम एज वेल। बेसिकली मैथमेटिक रिलेटेड, एनालिटिक रिलेटेड एग्ज़ाम है, जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रहता है। तो ये एक एग्ज़ाम की बात है, ये एक स्ट्रीम की बात है। अब देखिए उसके बाद मैनेजमेंट के बच्चे भी जाते हैं, दूसरे कोर्सेज के बच्चे भी जाते हैं। तो आप देखिए कि, और लास्ट ईयर जो 23 का डाटा रहा है, तो इंडिया का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा US गया। अब आप बात कर रहे थे डेट्स मिलने की, तो इस टाइम US की डेट्स आराम से मिल रही हैं। तो नो डाउट कई बार थोड़ा सा डेट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन डेट्स मिल रही हैं। बेनिफिट क्या है कि हमें सारा पैसा जो फीस का भी मिला के हमें वीज़ा के बाद देना है, वीज़ा से पहले हमें यूनिवर्सिटी फ़ीस नहीं पे करनी है, तो वो भी स्टूडेंट के लिए एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि कई बार अगर वीज़ा नहीं लगता बच्चे का, तो वो जो फीस गई है और फीस जाके आने में इट टेक सम टाइम, तो उससे क्या है जो करेंसी लॉस और बच्चे का टाइम लॉस होता है। तो जबकि US में खाली उसने एक सर्विस फीस और अपने जो है एम्बेसी फीस जो दे के दे कैन अप्लाई, और डिसीजन भी सेम डे है। अगर वीज़ा मिलना है तो सेम डे ऑफिसर ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है और वीज़ा ग्रांट हो जाना है। ये नहीं कि एम्बेसी में फाइल लगी, आप 1.5 महीने वेट कर रहे हो, आप 1 महीने वेट कर रहे हो। तो ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा हैसल फ्री जो आप देखो कि मेथड है US का वीज़ा का। हाँ, आप पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, तो आपके लिए सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है, सबसे अच्छी कंट्री है। 2 ईयर्स की आप अच्छी पढ़ाई करिए IT की, मैं जो कहती हूँ, या इंजीनियरिंग का कोई अच्छा कोर्स लीजिए, मैथ का लीजिए। 2 ईयर्स के बाद 3 ईयर्स का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है।
स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ या इतनी स्कॉलरशिप्स हैं यूएसए में, आप खाली उनका एक क्राइटेरिया फुलफिल करिए। अगर यूएस जाना है तो बच्चा 4-6 महीने 8 महीने अपने प्रोफाइल पे लगाए, वीज़ा तो मिलना ही मिलना है, उसको स्कॉलरशिप भी इतनी मिलेगी। कई बार खाली लिविंग कॉस्ट देनी है, यूनिवर्सिटी फ़ीस टोटल फ्री हो जाती है या 50% आपकी फ्री हो जाती है। तो आप, लेकिन आप थोड़े जागरूक स्टूडेंट बनी हैं, आप थोड़े से अच्छे स्टूडेंट बनी हैं। जो मेट्रो सिटी के स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑलरेडी वेल अवेयर कि उनको कैसे तैयारी करनी है, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। जो स्कॉलरशिप्स है वो खाली आपको एकेडमिक नहीं मिलती हैं, वो आप कितना आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो या कितना स्पोर्ट्स में आप एक्टिव हो, ये सारा प्रोफाइल देखा जाता है, जिसके बेस पे आपकी ओवरऑल स्कॉलरशिप लगती है। और वीज़ा प्रोसेस में भी जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है, जो इनटेक है अब वो फॉल इनटेक है। फॉल इनटेक के लिए हमारा अब जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डेडलाइन इस महीने आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप जब लेट करोगे तो नेचुरल आपको यूनिवर्सिटी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है और आपको चाहिए स्कॉलरशिप भी चाहिए, आपको वीज़ा भी ऑलमोस्ट 100% चाहिए, तो नेचुरल है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द यू नो कि आप डेडलाइन से पहले अप्लाई करो, अपने प्रोफाइल पे थोड़ा सा काम करो, कंसल्टेंट अच्छा हो जिसको पूरी नॉलेज हो। आज हमें काम करते 27 ईयर्स हो गए हैं और बच्चों को हमने हमेशा अच्छे से ही गाइड किया है, और जो भी बच्चे जाते हैं उनको कभी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी देते हैं। आपका यहाँ जाने के टाइम तो पूरा साथ देते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद भी आपको कोई हॉस्टल की हेल्प चाहिए, आपको अकोमोडेशन की हेल्प चाहिए, किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, वी आर देयर फॉर यू। जी बिल्कुल। तो और भी कोई सवाल हो स्टूडेंट्स का तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है नेविगेटर्स ओवरसीज़ का, इस नंबर पे कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। आज के टाइम में यूएसए अप्लाई करना एक बेस्ट ऑप्शन तो हमेशा से ही रहा है यूएसए, लेकिन आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड, बहुत ही ज़्यादा रुझान स्टूडेंट्स का देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैम ने बताया कि आज के टाइम में अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी कोई ज़्यादा डिले फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो ज़रूर इस टाइम का फ़ायदा उठाएँ, मैम की गाइडेंस का फ़ायदा उठाएँ। 27 सालों मैम का एक्सपीरियंस और ढेर सारी प्रोफाइल्स पर काम किया हुआ है मैम ने, और प्रोफाइल को देखते ही बता सकते हैं कि इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, किस राह पर स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए। कोई और सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन के जरिए भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स मैम, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।